के एक्सपीरियंस के बेसिस पे 10 क्रक्स बताऊंगा। तो आज हम लोग बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल बेस्ड ऑन माय लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 15-18 इयर्स 10 टिप्स ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू आइडिया और अ न्यू वेंचर और अ न्यू बिजनेस। तो मैं आपको 10 अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे 10 क्रक्स बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें कि डोंट वेट फॉर परफेक्ट आइडिया, जस्ट स्टार्ट एंड इवॉल्व द आइडियाज। जब भी कभी आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है और आपको ये लगता है कि आप इसके ऊपर कोई एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और फिर अक्सर क्या होता है हम लोगों के जहन में ये होता है कि थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा और तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी और प्लानिंग कर लेते हैं और इसको और बेटर बना सकते हैं। तो अगर इवन हम अगर मार्क जकरबर्ग जिसने फेसबुक शुरू किया अगर हम उसको भी देखेंगे तो 2006-07 में जब फेसबुक शुरू हुआ था तब वो फेसबुक वैसा नहीं था जैसा आज है। अगर वैसा ही होता तो हर दूसरे दिन हम लोगों को ये मैसेज क्यों आता कि अब आपको रात में अपग्रेड हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो यानी फेसबुक जैसी टेक्नोलॉजी वाली चीजें भी हर दिन इवॉल्व हो रही हैं। तो नो आइडिया इज परफेक्ट। जब हम एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि थोड़ा यहाँ ऑल्टरेशन करना है, थोड़ा वहाँ ऑल्टरेशन करना है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज परफॉर्मिंग इन द मार्केट और हाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी आर गेटिंग। सो नेवर वेट फॉर ए परफेक्ट आइडिया। एक स्पार्क मिला, शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज एसोसिएट एंड कोलैबोरेट विथ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। जब आपके जहन में आइडिया आती है आपको लोगों से, दोस्तों से डिस्कस करना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि क्या कोई लाइक माइंडेड फ्रेंड है जो आपके उस आइडिया में कन्विक्शन रखता है और आपको रेगुलर इनपुट दे रहा है। अगर आप ऐसा कोई दोस्त या खोज पाए तो यू कंसिडर योर सेल्फ एज द लकीएस्ट पर्सन, और आप कोशिश करें कि उसको अपने आइडिया के साथ जोड़ करके अपनी टीम के तरीके से उनको डेवलप करें। और वो साथ मिल करके जब आप काम करते हैं तो अक्सर ये होता है कि जब हम किसी आइडिया में बहुत ज्यादा एंग्रोस होते हैं तो हम उसमें आउटसाइडर पर्सपेक्टिव ला नहीं पाते, लेकिन जब हम टीम बनाते हैं लाइक माइंडेड फ्रेंड्स की तो हर किसी के पास अपना अपना तजुर्बा होता है, हर कोई अपने अपने तजुर्बे से उसमें ओपिनियन दे रहा होता है, तो वो परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होती है। ऑलवेज एसोसिएट एंड कोलैबोरेट विथ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आपने आइडिया जनरेट करी दिमाग में तो यू मस्ट शेयर द आइडियाज विथ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। और उस आइडिया को जब आप इम्प्लीमेंट करने शुरू करते हैं तो आप उससे आने वाली अपॉर्चुनिटीज और उससे आने वाली रेवेन्यू को भी आप अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि जो टीम आपके स्वेट के दिनों में, आपके आइडिया जनरेशन के दिनों में, आइडिएशन के दिनों में आपके साथ होती है, आपको आने वाली हर अपॉर्चुनिटी और आने वाला रेवेन्यू उनके साथ, अब वो किस प्रपोर्शन में शेयर होती है वो आपका आपसी मसला होगा कि आप किस प्रपोर्शन में रेवेन्यू शेयर करते हैं। लेकिन आप रेवेन्यू शेयर करने से कई चीजें होती हैं कि सबके ऊपर बर्डन कम हो जाता है और सबकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप जरूर अपनी टीम के साथ
आइडिया जैसे आप शेयर करते हैं वैसे ही आप अपॉर्चुनिटी भी इक्वली शेयर करें और रेवेन्यू भी शेयर करें ताकि बॉन्डिंग बनी रहे म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप की। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप प्रायोरिटाइज करें अपने एक्सपेंसेस को और ऑलवेज ट्राई टू कर्टेल नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस। अगर आपको किसी से मिलना है, कोई मीटिंग करना है और आपस में, तो आप कोशिश करें कि आप उसको सबसे रीजनेबल बजट में कैसे कर सकते हैं। आपको अगर अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना है तो लोगों तक पहुंचाने का मीडियम आपका टीवी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियो हो सकता है या आपका अपना सोशल मीडिया हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाटसोएवर योर बजट इज, आप हमेशा ये कोशिश करें कि अगर आपके पास एक आइडिया आती है कि क्या इस आइडिया को न्यूज़पेपर ऐड के थ्रू हमको अपने टारगेट कंज्यूमर को बताना है, तो आप जरूर आपस में ये डिस्कस करें कि इससे सस्ता अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। क्या हम बिलबोर्ड पे जा सकते हैं या क्या हम सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, या अगर आपको कुछ लोगों के साथ मीटिंग करनी है तो आपको ये देखना है कि आपको किसी फाइव स्टार में मीटिंग करनी है या आप घर पे भी मीटिंग कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि खर्चों को प्रायोरिटाइज करें कि ये बहुत जरूरी है या अर्जेंट है या इसके बिना काम चल ही नहीं सकता या इसको कर्टेल किया जा सकता है। तो जब आप इस हैबिट को इनकलकेट कर लेते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आपको नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस को और खास तौर से नॉन रेवेन्यू एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जिनको करने से रेवेन्यू नहीं आता, उनको कर्टेल करना। अगर आप हर खर्चे पे ये सवाल उठाएं कि क्या हम इसके बिना काम कर सकते हैं, तो बेसिकली आप अपना रिसोर्स बचा के चल रहे हैं ताकि आप ज्यादा लंबी रेस लड़ सकें। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, आप एक यू मस्ट डेवलप अ हैबिट ऑफ सिस्टमैटिक सेविंग ऑन रेगुलर इंटरवल। आपको ये देखना चाहिए कि जैसे पहले मैंने बोला कि आपको थोड़ा नॉन एसेंशियल खर्चों को कर्टेल करना है और हर महीने या कोई भी एक रेगुलर इंटरवल आप मान लीजिए, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी सेविंग, कोई एक पॉकेट बनाना है, कोई एक तरीका बनाना है, कोई एक सिस्टम बनाना है जिसमें आप सेविंग करके रिजर्व एंड सरप्लस तैयार रख रहे हैं। बिजनेस में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ये कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कैश फ्लो हर किसी का जितना नॉर्मल 2 साल पहले था उतना नॉर्मल अभी नहीं है। तो जिस भी किसी ने रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट करके रखा था, आज वो स्ट्रेसफुल तो होगा लेकिन कंपेरेटिवली लेस स्ट्रेस होगा क्योंकि उसको स्ट्रेस, उसके पास एक रिजर्व है टू फॉल बैक। जैसे कहते हैं कि रेनी डे के लिए आपके पास अम्ब्रेला है। तो इस चीज को आप जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको उसी समय से आपको इसको एक हैबिट बनाना है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे एक नॉमिनल अमाउंट जो कि आपके वर्किंग कैपिटल को डिस्टर्ब भी ना करे, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाए ताकि आपको पीस ऑफ माइंड रहे हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी मेरे ओपिनियन में, यू नीड टू बी वेरी वेरी वोकल, यू नीड टू टॉक अलॉट एंड यू नीड टू आस्क एज मेनी पीपल एज पॉसिबल अबाउट योर प्रोडक्ट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया है या उस प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करने की कोई आइडिया है, तो जैसे हम अपना तरीका अगर बताएं, हम सबसे पहले अपनी मम्मी से डिस्कस करते हैं, अपनी मदर से। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मदर को बिजनेस का कोई खास एक्सपोजर या बिजनेस चलाने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, बट बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फैमिली विच इज ऑलवेज इन बिजनेस, उनको इतना तो कॉमन सेंस बिजनेस का है ही है। अगर कोई आइडिया हम अपनी माँ को कन्विंसिंगली समझा सकते हैं और उनके पूछे गए सवालों का उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकते हैं,
तो वो आइडिया हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में किसी को भी फिर समझा सकते हैं, क्योंकि जब अपनी मम्मी को समझाना होता है तो कोई हैवी जार्गन्स के साथ, कोई हैवी इंग्लिश के वोकैबुलरी के साथ नहीं समझाना होता है, सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में उनको समझाना होता है। तो जिस लैंग्वेज में हम अपनी मम्मी को या अपने दोस्तों को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझा पाते हैं, तो आपकी आइडिया फिल्टर होती है उससे, और आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करते हैं उस आइडिया के बारे में या उस अपने उस प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करने के बारे में, आपका अपना कन्विक्शन लेवल उतना स्ट्रांग होता जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी वोकल अबाउट द आइडिया। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज यू नीड टू बिकम विजिबल बाय ऑल मीन्स। एक बार आपकी आइडिया जर्मिनेट हो गई, एक बार आपने शुरू किया, तो आपको उसके बाद अपनी विजिबिलिटी पे ध्यान देना है कि आपको ये देखना है कि आप अपनी आइडिया को अधिक से अधिक लोगों तक कैसे विजिबल करें। फिर वही मुद्दा आता है कि क्या डेली बेसिस पे आप सोशल मीडिया पे कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी शुरू करते हैं या कोई ऑन ग्राउंड एक्टिविटी शुरू करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक आपको विजिबिलिटी क्रिएट करनी है अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि ये डे वन से ये चीज शुरू होती है। अब पॉइंट नंबर 8 है, यू नीड टू डू नेटवर्किंग ऑन कॉन्स्टेंट एंड रेगुलर बेसिस। आपको अधिक से अधिक लोगों से मिलना है, अधिक से अधिक लोगों से नेटवर्क करना है। अब वो लोग कौन होते हैं ये आपको डिसाइड करना है आपके बिजनेस आइडिया के हिसाब से, कि वो बैंकर होते हैं, कि वो सोशल सर्किल के लोग होते हैं, कि वो कौन होते हैं। बट यू नीड टू बी इन सर्कुलेशन ऑल द टाइम, अधिक से अधिक लोगों तक मिलना है। और उसके बाद जब आप वोकल होते हैं, जब आप विजिबल होते हैं, जब आप नेटवर्किंग करते हैं, तो उसके अगला जो स्टेप आता है पॉइंट नंबर 9, वो ये होता है कि यू नीड टू बी वेरी ओपन टू यू नो टू लिसन टू द क्रिटिसिज्म एंड एम्ब्रेस द रियलिटी ऑन द फेस वैल्यू। हर कोई आपके आइडिया को अच्छा नहीं बोलेगा। एवरीबडी इज नॉट योर वाइफ और एवरीबडी इज नॉट योर मदर जो हमेशा आपके आइडिया को तारीफ ही करेगा। तो यू विल बी यू नो यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ पीपल हु विल बी पॉइंटिंग आउट कि ये गलती है, इस वजह से नहीं चलेगा, उस वजह से नहीं चलेगा। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड कि आपको सारे सबके क्रिटिसिज्म को उनके ओपिनियन और उनका फीडबैक समझ के सुनना है, और अपनी आइडिया को उसके ऊपर आपको टेस्ट करना है कि क्या इनके जो ओपिनियन है उससे मेरी आइडिया इंप्रूव हो रही है क्या। तो आपको किसी का भी क्रिटिसिज्म सुन करके हतोत्साहित नहीं होना है, डीमोरलाइज नहीं होना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आपको ये समझना है कि वो एक्चुअली में उनका फीडबैक है। तो ये भी बहुत जरूरी होता है, जैसे हिंदी में कहावत भी है, निंदक नियरे राखी है। तो जितने क्रिटिक्स होंगे उतना आपको हेल्प करेंगे आपके स्किल्स को पॉलिश करने में, इवॉल्व करने में। 10th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी स्टार्टअप और एनी एंटरप्रेन्योर फॉर होल ऑफ योर लाइफ इज वी नीड टू लर्न टू फ्लॉन्ट आवर फेलियर्स। कभी मत शर्माइए ये बताने में कि कितनी आइडियाज आपकी फेल हो चुकी हैं। ये एक्चुअली में आपका अपने अंदर से डर खत्म करता है ये चीज, और आप ये बता पाते हैं कि आप थकते नहीं हैं नए इनोवेटिव आइडियाज को ट्राई करने में, और आपको इस बात से कतई शर्म या लेट डाउन नहीं होता है कि आप ये समझिए कि आप एडिसन हैं, कि आपके 99 एक्सपेरिमेंट फेल हुए तब भी आप एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो यू नीड टू लर्न टू यू नो ग्रेसफुली फ्लॉन्ट योर फेलियर्स। तो ये 10 सक्सेस मंत्रास थे मेरे सारे उन दोस्तों के लिए जो अभी स्टार्टअप या तो सोच रहे हैं या शुरू कर चुके हैं या बीच में हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी जिंदगी का ये 15 साल का एक्सपीरियंस तजुर्बा शायद आपको थोड़ी मदद कर पाएगा। अगर आप और भी कुछ मुझसे जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।